कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज ने देश की जनता को आहत करने वाला बयान दिया है। आपको बता दें आर्टिकल 35A की बात करते करते वो देश से, जी हां भारत से रिश्ता खत्म करने की बात करने लगे। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने कश्मीर पर आपत्तिजनक बयान दिया है। सोज ने कहा जम्मू कश्मीर से 35 से हटने पर दिल्ली से कश्मीर का रिश्ता खत्म हो जाएगा। आज सोज ने जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी सवाल उठाए। सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। सोज का बयान कश्मीर के अलगाववादियों की विचारधारा से मेल खाता है। सोज ने कहा कि आरएसएस आर्टिकल 35A और धारा 370 को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने आज सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दे डाली। सोज ने कहा कि अगर कोर्ट में या कोर्ट के बाहर धारा 35A को खत्म करने की कोशिश की गई, तो कश्मीर का रिश्ता दिल्ली से टूट जाएगा। सोज ने कहा कि जब रिश्ता खत्म होगा तो लोग विद्रोह करेंगे और वो इस विद्रोह का साथ देंगे। मेरा मानना यह है कि 35A सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला हो जाए या बाहर हो जाए, दिल्ली का शासन करे, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है कश्मीर के लोग कहेंगे 370 चला गया, फिर रिश्ता क्या रहेगा यूनियन के साथ। अब आरएसएस इंप्रेशन उनको देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि 35A खत्म करो और 370 खत्म करो, ये नहीं हो सकता है। क्यों? यूनियन का जम्मू कश्मीर के साथ, मुझे ज्यादा कहना चाहे कश्मीर के साथ, रिश्ता खत्म हो सकता है।